सो गाइस आज हमने कलर करे है व्हील कवर, तो देख सकते हो अभी कुछ ऐसा दिखता है और थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा दिखेगा गाइस, दिस इनटू दिस। तो गाइस पूरी वीडियो देखेगा कि हमने कैसे करा है और सारा प्रोसेस हमने इस वीडियो में दिखाया है, तो गाइस पूरी वीडियो देख कर जाना। Hey yo guys, what is up? Welcome to Gurungwai channel. This is Aman and this is Akash. What's up everyone? This is Tidy Sakajung. Welcome to another new vlog. So guys, आज के वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है हमारी व्हील कवर के ऊपर गाइस। तो आज हम करने वाले हैं थोड़ा मॉडिफिकेशन, व्हील्स कवर को हम करने वाले हैं कलर, वो भी ब्लैक पे, बहुत सही लगेगा। तो हमने एक इमेजिन किया, हमें थोड़ा अलग करना चाहिए क्योंकि नई गाड़ी है, कुछ ना कुछ तो हरकतें करनी चाहिए। आज हमने सोचा नया कॉन्टेंट बनाते हैं, तो इसी चक्कर में हम व्हील कवर को कलर करते हैं। तो बेसिकली देखना गाइस कैसा लगता है, कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। तो गाइस जैसे कि आकाश ने कहा व्हील कवर को हम कवर करने वाले हैं, तो वैसे गाइस मेरे को तो पूरे ब्लैक करने थे, बट जैसे जो कंपनी जो एलॉय व्हील्स दे रही है तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा वैसे टाइप का करने के लिए, तो आज हम गाइस उसी को ट्राई करने वाले हैं। मैं आपको वैसे पहले व्हील कवर दिखा देता हूँ जो कंपनी नॉर्मल व्हील कवर जो दे रही है, तो नॉर्मल व्हील कवर ये वाले हैं और इधर भी देख सकते हो। तो आज गाइस इसका होने वाला है मॉडिफिकेशन इस व्हील कवर का। अभी जो व्हील कवर है ना, तो हमने कुछ ऐसा सामान लिया है, तो इस व्हील कवर को डायरेक्ट हम बनाएंगे अलॉय। तो देख सकते हो ये हमने पेंट लिया स्प्रे, ये हमने डॉक्टर टेप लिए, तो डॉक्टर टेप से जो पोर्शन हमें पेंट नहीं करना उसके ऊपर हम लगाएंगे, एंड जो पोर्शन हमें करना है वो हम डॉक्टर टेप लगाएंगे, उस पर हम मारेंगे स्प्रे। तो बेसिकली देखना गाइस कैसा लगता है, और देखा जाए तो बिल्कुल काफी बंदों ने कराया तो अलॉय वाले फील आती है, तो आज ये हम व्हील कवर में अलॉय वाली फीलिंग लेंगे गाइस। आकाश का प्राइस बताने वाले स्प्रे का और ये कौन सा स्प्रे, और अगर आपको बाय करना हो तो मतलब कैसे करें और कौन सी दुकान से लेना चाहिए, और डॉक्टर टेप का भी रेट आकाश बता देगा। तो बेसिकली गाइस देखा जाए इसका प्राइस है 120 और इसका है 25। मैं रिकमेंड करूँगा परचेज करें तो हार्डवेयर की शॉप से करें, क्योंकि बेसिकली वहाँ की चीज़ें जो होती है ओरिजिनल होती है और वहाँ का स्प्रे की क्वांटिटी भी अच्छी होती है। अगर किसी शॉप से लोगे, बाइक शॉप से, गाड़ी शॉप से, वहाँ के स्प्रे की क्वांटिटी भी कम होती है और वाली वैरायटी नहीं होती, मज़ा नहीं आता कहने वाला है, क्योंकि जो मेन चीज़ है ना वो हार्डवेयर की दुकान है, बहुत सही मज़ा आएगा इस। तो वैसे गाइस कंपनी व्हील कवर देती है, और वैसे गाइस एलॉय व्हील्स आप परचेज कर सकते हैं शोरूम से या तो फिर आफ्टर मार्केट भी, वो 30-40 हज़ार के करीब पड़ते हैं, तो गाइस वो ज़्यादा महंगे पड़ जाते हैं। इस सही तो मतलब एलॉय व्हील्स वाली बातचीत लेने तो गाइस इसको थोड़ा सा कर सकते हैं 150 रुपये में, और टाइटल मिल गया एक तो। बिल्कुल बिल्कुल गाइस टाइटल भी मिल गया, और आप किया सोनेट की लास्ट वीडियोस में बहुत सही प्यार दे रहे हो, आई होप गाइस आप इस वीडियो में बहुत सही प्यार दोगे। अभी तक जिसने बंदों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आके सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं वीडियो में, तो प्लीज बने रहिए, पूरी वीडियो देख के जाना। जैसे गाइस देख सकते हैं हमने अलग से बुलाया है ठीक है बंदा, तो इन्होंने 50 रुपीज़ लिए चारों व्हील कवर लगाने के और उतारने के। तो भैया अगर मेरे को एक बार बता दीजिए, जैसे ये टायर पूरा खुलता है व्हील कवर उतारो तो ये अगर निकाल लूँगा हाँ ये इतनी लगाऊंगा तो अच्छा, टायर भी बाहर आ जाएगा। अच्छा टायर भी बाहर आ जाएगा, व्हील कवर टूटने का कुछ डर तो नहीं रहता ना। ओके और जैक लगाना पड़ता है ठीक है भैया, जैक नहीं लगाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा, आ जाएगा ना, फिर जैक मतलब लगाना पड़ता है। तो फर्स्ट टाइम गाइस खुल रहा है जैक, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है एक वीडियो बनाने के लिए, एक कंटेंट के लिए क्या स्ट्रगल करना पड़ता है, असली स्ट्रगल तो भाई भी कर रहे हैं। तो भाई 50 रुपये ही ना, इससे कम नहीं ना, एक दिलबाग में बातचीत नहीं बन सकती, एक दिलबाग में बातचीत नहीं बन सकती, एक दिलबाग ले लो बस बात खत्म। A few moments later. So guys देख सकते हैं किया सोनेट का टायर STK प्लस का खुलने के बाद कुछ ऐसा लगता है, और वहाँ पर अभी भैया दूसरा वाला निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर इन्होंने जैक लगा रखा है, और जैसे कि यहाँ पर अभी काम चल रहा है ये रस पे और ये रहा व्हील कवर, और यहीं पे हमारी कार खड़ी है देख सकते हैं, सारे तो खुल गए बस ये लास्ट वाला खुल रहा है, और भैया ने कुछ ऐसा जुगाड़ कर रखा है मैं आपको बताता हूँ। जैसे 3 नट देखो यहीं छोड़ दिए ठीक है, और 2 नट लगाए रख रखे हैं ताकि जिससे टायर बाहर ना आए, तो कुछ भी रिस्क वैसे नहीं आएगा टायर बाहर, बट फिर भी रिस्क ना हो करके जैक वहाँ लगा रखा है अब, तो रिस्क ना हो करके भैया ने 3 यहीं नट छोड़ दिए और 2 यहाँ पर लगा दिए। मैं आपको इधर से भी दिखा देता हूँ, एक व्हील कवर ये रहा देख सकते हैं, 2 ये व्हील कवर ये रहे, और इधर देख सकते हैं ऐसे में भी बड़ा मस्त लग रहा है। स्टार्टिंग में ऐसे कुछ लगाना पड़ता है अच्छे से, बारीकी से काम करना पड़ता है। ये हमने नॉर्मल वाले डॉक्टर टाइप ले रखी है, मोटी वाली नहीं ले रखी वैसे ना, तो आप ये नॉर्मल वाली भी ले सकते हो, इसको ये पूरा नहीं ले सकता है। अच्छा वहाँ से छोटा करेगा ना, नहीं फिर यहाँ चल ठीक है, यहाँ वहाँ से वो उससे काट देना, पीछे वहाँ से स्टाइल खड़े हुए ये भाई कुत्ता ले खड़ा है बंदा।
ये बात तो बिल्कुल सही करी है तूने, इसी बहाने तो वीडियो में आ गया। एक लाइक पंकज के नाम आया आएगा। और डॉक्टर टेप तो नॉर्मल ही है, अपने साथ ब्लेड भी रख ले ताकि फिनिशिंग आए। जैसे फिनिशिंग ले ली, जैसे किया कहीं हमें काटना अच्छे से गोल, तो फिनिशिंग अच्छे से आ गई। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक जैसे हमने ये ले रखा है, इसको गोल तो नहीं काटा बट ये ना आगे तक जा रहा था, तो हमने इसकी फिनिशिंग देने के लिए इसको हमने ब्लेड से काट दिया। तो अभी यहाँ पर काम चल रहा है, मैं आपको इसकी पूरी आपको वीडियो दिखाऊंगा ताकि आपको भी करने में आसानी हो। और जितने गाइस आप नई गाड़ी में करोगे ना उतना सही है। जैसे अभी हमारी 2 महीने चली है गाड़ी और ये व्हील कवर एकदम नई है, अच्छी गाड़ी भी ज़्यादा चली नहीं है तो व्हील कवर ही बहुत नए हैं, तो जितना नए में करोगे उतना सही रहेगा। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं अभी शेक कर दिया रहा है कलर को, और अब क्या करने वाले हैं काश, अब इसमें स्प्रे मारने का टाइम आ चुका है। तो पहले गाइस जब आप स्प्रे मारो तो इस पर मारने से पहले तो पहले आप गत्ते पे मार के देख लेना स्प्रे सही से काम कर रहा है या नहीं। तो अभी दिखा देते हैं आपको टेस्ट। तो गाइस कभी भी ऐसे स्प्रे करते हो पेंट करते हो तो जितना उसको प्रॉपरली शेक कर सको तो उतना अच्छा निखार के कलर आता है गाइस। तो देख सकते हो कभी भी ऐसे मतलब डायरेक्ट थोड़ा शेक करो उसके बाद कलर करो, देख सकते हो एग्जांपल कितना सही आ रहा है इसमें। थोड़ी सा और करके दिखा दे। और ये है गाइस देख सकते हो जैसे कि ये है शाइन ब्लैक, शाइन ब्लैक है गाइस ये। और ज़्यादा ना वो कर ले टेस्ट कि स्प्रे ना बचे। गाइस अब स्टार्ट करते हैं अभी हम। एक शेड से मार रहा हूँ ना वो सही रहता है, अलग अलग शेड से मारते हैं ना फिर अलग अलग हुआ है। जैसे कि देख सकते हो आकाश ने भी पूरे में मार दिया और पहले हमने डॉक्टर टेप लगाई है। तो ऐसे कुछ आप स्प्रे मारना एक ही स्टाइल से स्प्रे मारो पर एक ही शेड तरीके से मारो पर, और जितना थोड़ा डिस्टेंस पे रखोगे, ज़्यादा डिस्टेंस में रखना, हल्का सा थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना जिससे प्रॉपरली शाइनिंग आए। और एक ही तरीके से मारो, अगर ऐसे मारो तो ऐसे मारो, अगर ऐसे मारो तो ऐसे मारो, रोटेशन अपने चेंज मत करो हमेशा, वरना थोड़ा अलग इफेक्ट आ जाता है। हाँ वरना थोड़ा अलग आ जाएगा, यहाँ डार्क हो जाएगा यहाँ हल्का हो जाएगा, तो ऐसा इफेक्ट आ जाएगा। और थोड़ा दूर से मारो पर ज़्यादा भी दूर से मत मारो, कहने का मतलब है। और व्हील कवर ये रहे, तीन ये रहे, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इस पर डॉक्टर टेप भी चढ़ी जा रही है और एक ये रहा इस पर कलर होता है। हो गया ना पूरा, ऑलमोस्ट हो चुका है, थोड़ा आप पे रह गई है, फिर थोड़ी सी मेहनत आई, डॉक्टर टेप हट गई ना फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर पेंट। तो अभी कितनी देर सुखाना पड़ेगा इसको? 5 मिनट ले चलो, गर्मी आ चुकी है, आराम से सूख जाएगा 5 मिनट में ना। A few moments later. तो अब हम इसी करने वाले अनबॉक्सिंग। तो गाइस जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर सुखाया है इसको, सुखाने के बाद इसकी अब टेपिंग हटा रहे हैं जो डॉक्टर टेप लगाई थी इसमें, और डॉक्टर टेप हटा के देखते कैसे लगता है। तो थोड़ा बारीकी से करना पड़ेगा, धीरे धीरे हौले हौले से। तो ये यहाँ से देख सकते हैं पहली टेप हटी, यहाँ से कुछ ऐसी फिनिशिंग आई है, चांद छुपा, कॉपी राइट आ जाएगा इतने में ही। ये वाली सही, आजकल यूट्यूब की गाइडेंस बहुत ज़्यादा सटरिक हो गई है, स्ट्रिक नहीं सटरिक हो गई है, कुछ ऐसा दिख रहा है। फिनिशिंग तो अभी तक जितनी फिनिशिंग खोली उतने में तो अच्छी लग रही है, बस यहाँ से देख, यहाँ से बारीकी थोड़ी सी ना ये ऊपर से नहीं आ रही, 19-20 हाँ वो तो है, 19-20 तो हो गई पर ये तो 21-22 हो गया है। एक छोटी सी, एक दो बहुत बड़ी गलती हुई है, देखिए देखिए हाँ हाँ इसके चल देख सकते हैं गाइस, जैसे कि यहाँ पे
थोड़ा सा रह गया ये, अब ज्यादा रह गया, सबो को हटाओ, ये इधर भी रह गया। ये आपने देखा क्यों नहीं यहाँ पे, आप चाहे क्या बावजूद भी आपने देखा क्यों नहीं, आपसे इतनी बड़ी गलती हो रही थी यहाँ पे है मिस्टर रामपाल जी। देखिए तो इधर भी थोड़ा सा रह गया, 19-20 नहीं तो 21-22 हो गया भाई साहब। अभी गाइस इसमें थोड़ा सा और, जैसे यहाँ यहाँ छोट रखा है तो इसमें बारीकी से फिनिशिंग दी जा रही है, अभी थोड़ा सा टच देना बाकी है, हाँ थोड़ा सा टच देना बाकी है, तो उसको अच्छी तरह अब करते हैं अभी। जैसे गाइस देख सकते हैं, जैसे कि अब पूरे हो चुका है ये, और यहाँ पर ये दो, और यहाँ पर ये तीसरे का, चौथे का काम चल रहा है अभी, और यहाँ पर भैया भी आ चुके हैं। कैसे लग रहे हैं भाई आपको, बढ़िया लग रहे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। पहले से कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छा। देख सकते हो गाइस आपको कैसे लग रहे हैं, मेरे को कमेंट करके बताना, भैया को तो बड़े मस्त लगे। तो अब ये लगने हैं, अब भैया भी आ चुके हैं, तो अभी इस पर नेटवर्क लगाने हैं। तो लो भैया। The next day. जैसे कि आपने मेरी वीडियो तो देखी होगी, आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइज आपने इसकी सिनेमैटिक वीडियो भी देख ली होगी, और गाइज मैंने ये जो अब वीडियो जो मैं ले रहा हूँ आउटरो जो इसका, वो मैं गाइज नेक्स्ट डे में ले रहा हूँ। तो कल ज़्यादा रात हो गई थी तो अंधेरे में सही से आ नहीं पाता, इसलिए मैंने कल मैं ले नहीं पाया ये फुटेज। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि अब इसको लगाने के बाद कैसे लगते हैं इसके कवर। तो देख सकते हो गाइज कार में लगाने के बाद कवर इसे कुछ अलग ही लुक दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि अलॉय व्हील्स वाला है। इधर से भी गाइस लुक देख सकते हो आप इसका, बिल्कुल अलॉय व्हील्स वाली बातचीत आ रही है इसमें। जो मैंने इसमें यूज़ करे थे डॉक्टर टेप थी, और दूसरा था स्प्रे, तो स्प्रे भी बच चुका है, ज़्यादा खर्च भी नहीं हुआ था इसमें। और इधर से आप देख सकते हो फिनिशिंग भी गाइस मैंने अच्छे से दी थी, वैसे गाइस बारीकी से करा है हमने इसमें पूरा काम। तो अगर गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गुरुंग ब्रदर्स। तो बाय गाइस एंड टेक केयर।